नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, आपने हर जगह गांव-गांव पे ग्राहक सेवा केंद्र सुना होगा, जो बैंक का ही एक उपक्रम है, जिसमें पहले 10,000 की लिमिट थी, लेकिन अब 20,000 तक लिमिट कर दी गई है, जिसमें आप 20,000 तक पैसे निकाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, या फिर आप 20,000 तक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी पूरे साल में सिर्फ 3 बार ही 20,000 की कर सकते हैं। लेकिन इन सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए कन्हान पुलिस स्टेशन हद में और प्रॉपर कन्हान में ही ग्राहक सेवा केंद्र मिला स्टेट बैंक का, जिनका नाम था दीनानाथ वर्मा का। लेकिन सबसे बड़ी बात और एक बड़ा फ्रॉड हुआ, सूत्र बताते हैं कि फ्रॉड लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच का है, कि दीनानाथ वर्मा ने SBI टाइनी बैंक के नाम पे लोगों का FD किया और फिक्स डिपॉजिट की जो रकम थी वो 50,000 से 1 लाख 2 लाख या जितनी भी हो, लेकिन 20,000 जो लिमिट होती है उसको क्रॉस करके थी, और ऐसा उन्होंने कई लोगों के साथ कर दिया। और खास बात तो ये है कि जब इनका ये प्रिंट दे रहे थे तो उस जो पेपर क्वालिटी है वो ये है, जिसपे हम अपनी फोटोज निकालते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, उस पेपर पेपर पे वो प्रिंटेड और उनकी साइन के साथ में वो लोगों को दिया जा रहा था। जब बोलते हैं कि जब धीरे धीरे जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन वो फूटना तय है, और हुआ ऐसा ही दीनानाथ वर्मा के साथ। एक दिन इसका खुलासा हुआ और धीरे धीरे ये बातें फैल गई। अपने आप को बचाने के लिए सूत्र बताते हैं कि दीनानाथ वर्मा लोगों से मिलना जुलना, आपसी सहमति और जो भी डिफेंस में करना हो करना शुरू कर दिए, लेकिन सभी मान जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इस संबंधित हमने SBI कन्हान के ब्रांच मैनेजर से बात की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जितने भी लोगों के साथ में ये समस्याएं हैं, उन्हें लगता है कि वो फ्रॉड हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, वो बैंक को लिखित इसकी शिकायत करें। और आप सभी से अपील है, अगर आप भी ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर के अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं तो इसकी आप लिखित शिकायत SBI ब्रांच को करें और उसको फॉरवर्ड करेंगे। और आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, आम लोगों को लगता है कि ये एजेंसी ग्राहक सेवा केंद्र बैंक द्वारा वितरित की जाती है, या बैंक द्वारा बिल्कुल भी वितरित नहीं की जाती है, इनके लिए एक एजेंसी है, ये एजेंसी काम करती है, बैंक का इसमें वितरण में हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस गलत फहमी से दूर रहे कि बैंक ने इनको सपोर्ट किया है या फिर बैंक द्वारा किया जा रहा है। आप बैंक को शिकायत कीजिए, आपकी शिकायत को फॉरवर्ड करेंगे ब्रांच मैनेजर। दोस्तों, एक बड़ी बात इस सारे मामले में समझ में आता है कि मान लेते हैं कि एक चोर ने चोरी किया और जब उसका पर्दाफाश हुआ तो उसने वो सामान को वापस भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने चोरी तो किया, उसने अपराध तो किया, तो क्या अगर वो सामान वापस कर देता है तो वो चोरी अपराध नहीं है? फिर भी वो अपराध ही है, और शायद यही अपराध कन्हान में दीनानाथ वर्मा ने कर दिया। दोस्तों, इससे संबंधित अगले एपिसोड में हम और भी अहम जानकारियां लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे। जय हिंद।